जय श्री राम दोस्तों। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तो हम घर से निकला है, VIP के ऊपर है, बस स्टैंड से बस पकड़ेंगे, स्टेशन पहुँचेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम आ गए हैं स्टेशन पर, स्टेशन के ये देख लीजिए आप लोग, स्टेशन है हावड़ा स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ेंगे। अभी 2 घंटे बाकी है ट्रेन में, इसलिए हम बाहर खड़े हैं थोड़ी देर। अंदर बहुत भीड़ होता है स्टेशन में ज़्यादातर, या साबोए से हम चल लेंगे। बस में 1 घंटे के करीब लग गया, जैम था रास्ते में बहुत, इसलिए तो अभी हम स्टेशन के अंदर चलते। हेलो गाइस, अभी हम स्टेशन के अंदर है, टिकट तो ले लिए, ट्रेन का टाइम भी पता चल गया, लेकिन ट्रेन कौन से स्टेशन पर आ रहा है वो अभी तक पता नहीं चला। तो अभी स्टेशन की हालत आप देख सकते हैं, बहुत भीड़ है, बहुत, मतलब इस तरफ भी बहुत भीड़ है, इस तरफ भी बहुत भीड़ है, दोनों तरफ भीड़ है। और उस तरफ तो शायद अभी तक गए नहीं हम, किसी से पूछ लेते हैं जो ट्रेन कौन सी प्लेटफॉर्म पे आएगा, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो पता करके आप हम आपको बता देंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जब तक मुझे मिलती रहेगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। ट्रेन का पता चल चुका है, 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। अभी तो एक एक्सप्रेस खड़ा हुआ है उधर, तो अभी ट्रेन आया नहीं स्टेशन पे, तो अभी भी 1.5 घंटा लगेगा स्टेशन पे ट्रेन आने के लिए। उसके बाद आप जब उठेंगे आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ पे ट्रेन खड़ा हुआ है, कौन से जनरल बॉगी है, कौन सी SL या एशियन वाले बॉगी है, आप सबको दिखाएंगे। अभी हम बाहर आए, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में कब क्या मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा भी नहीं वो पता नहीं। अगर रिजर्वेशन करके आ रहे हैं या ऑनलाइन टिकट करके आ रहे हैं आपके पास SMS के थ्रू आपके टिकट है, तो यहाँ पे आइए, 9 नंबर स्टेशन पे घुसिए, और यहाँ आपके ट्रेन के टिकट के नंबर और आपके नाम की रिजर्वेशन यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके बॉगी नंबर और आपके ट्रेन के टिकट नंबर सब दिखाया जाएगा यहाँ पे। स्टेशन पे 9 नंबर स्टेशन पे घुसते ही इधर दिख जाएगा आपको, राइट पे बड़ा सा डिस्प्ले पे। गुड मॉर्निंग, अभी Day 2 है, दूसरे दिन। अभी हम तो सतना स्टेशन के बाहर है, स्टेशन से बाहर आ गए, अभी 11:04 हुए। अभी स्टेशन से बाहर से कहीं से भी ऑटो लेके बस स्टैंड जाना पड़ेगा सतना, क्योंकि इधर से डायरेक्ट धाम तक कोई भी ट्रेन जाता नहीं है, तो ऑटो लेके पहले बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा, फिर उधर से बस लेके हमको जाना पड़ेगा धाम तक। कितना रुपया? 8 रुपया। सर साहब, आ गए बस स्टैंड, अभी यहाँ से बस पकड़ेंगे छतरपुर के लिए, और छतरपुर से उतरते ही शायद कोई भी लोकल गाड़ी में 10 या 15 मिनट लगेगा। स्टेशन से बस स्टैंड की लोकल शेयरिंग ऑटो है, शेयरिंग ऑटो का भाड़ा 20 रुपया, और आपको 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा खाली थोड़ा सा ही रास्ता चल के भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ऑटो से आइए, क्योंकि आप नए आएंगे तो पहचानने में मुश्किल हो जाएगा, तो ऑटो से आइए। इधर से हम बस पकड़ेंगे, बस स्टैंड पे आते ही बहुत सारे बस मिल जाएगा आपको, जो आपको छतरपुर ले जाएगा। आप इधर से बस की टिकट खरीद के डायरेक्ट छतरपुर जा सकते हैं, और आप चाहे तो टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन टैक्सी में आपकी खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, इससे अच्छा है कि आप बस में चले जाइए। ऐसी बस है, लोकल बस भी है, नॉर्मल बस भी है, आप किसी भी बस से चले जा सकते हैं। बस का टिकट हमें 200 की पड़ी, और बस की सीट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आगे एसी बस है, लेकिन हम एसी में नहीं गए, हम थोड़ा सा खुली हवा वाले हैं तो खुली हवा में ही आए।
एसी भी आप ले सकते हैं, एसी ज्यादा से 320 का पड़ेगा या 400 का पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से सीट बुक कर सकते हैं। और इधर भी सेम ही है, तो बस मुझे लगता है कि नॉन एसी अच्छा है, इतना गर्मी में एसी से आप बाहर निकलने में तो तकलीफ होती है। तो चलिए बस में चढ़ते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।